हेलो दोस्तों, सो वील बी डूइंग योर मैड नाउ. सो मैड इज अबाउट ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. तो यूजली ना हम पढ़ लेते हैं कि हिमालयन रिवर्स कौन से हैं, ओरिजिन पॉइंट्स क्या हैं, कहाँ कहाँ से दे पास, सेम फॉर द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम. बट ना हम इनके डिफरेंसेस पढ़ना भूल जाते हैं. नाउ दिस इज वॉट आई वॉन्ट यू टू गाइज टू रीड इज वेल. ठीक है, हिमालयन रिवर्स वाटर कोर्सेज हैं, ठीक है, जो कि हिमालयन रेंजेस से आते हैं. दैट इज वेयर दे नेम्ड एज हिमालयन रिवर्स. एंड अगेन पेनिनसुलर रिवर्स जो है वेस्टर्न घाट और सेंट्रल हाईलैंड से पास होते हैं, विच इज इन टर्न योर पेनिनसुलर प्लाटू, इसलिए इनको पेनिनसुलर रिवर कहा जाता है. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमेशा ही जरूरी होता है इन चीजों में देने के लिए. अब हिमालयन रिवर्स और उनमें डिफरेंसेस देखते हैं. हिमालयन रिवर्स के बेसिन और कैचमेंट एरियाज बहुत ज्यादा बड़े होते हैं. ऑब्वियसली जितना एरिया वो कवर करेंगे ज्यादा होंगे, बिकॉज स्पीड बहुत ज्यादा है इनकी. कॉन्स्टेंटली वाटर आ रहा है, बिकॉज स्नोफॉल जो आपकी स्नो मेल्ट हो रही है उससे भी वाटर आ रहा है, रेनफॉल से वाटर आ रहा है. ये जितने रीजन से बह रही है ना, दे हैव वेरी एलुवियल कैरेक्टर, बहुत समान है, छोटा छोटा पत्थर कंकर और ये समान. तो इस वजह से ना ये इनके बेसिस एक्सपैंड होते रहते हैं, तो इसलिए इनके कैचमेंट एरियाज वगैरह बहुत बड़े होते हैं. रादर जो पेनिनसुलर प्लाटूज है इनके बेसिस और कैचमेंट एरियाज छोटे होते हैं. सिमिलरली बिकॉज कॉन्स्टेंट वाटर सप्लाई है, बहुत ही टेरेन बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही ज्यादा फास्ट आ रहा है पानी, तो ये काफी गहरी वैलीज बनाते हैं, विच इज वी शेप वैलीज. रादर पेनिनसुलर रिवर्स जो है इनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, इतनी डिफिकल्ट टेरेन नहीं है, ये बेसिकली स्ट्रेट वैलीज में बहती हैं एट टाइम्स, इसलिए ये शालो वैलीज कम गहरी वैलीज बनाती हैं. राइट, अगेन जो आपकी हिमालयन रिवर्स है ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज है और पेनिनसुलर रिवर्स कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज है. एंटीसीडेंट ड्रेनेज क्या होता है कि मान लो कि कोई एक पहाड़ का सिस्टम है रॉक में, उसमें चेंजेस हो रहे हैं, पर रिवर इतनी अड़ी हुई है कि रिवर कह रही है नहीं यार, जो मेरा बेसिक पाथ था ना, मैं जो ओरिजिनल कोर्स था मैं उसी पर रहूंगी. राइट, तो हिमालयन रिवर्स कुछ ऐसी हैं कि टेरेन में अंडर लाइक रॉक टोपोग्राफी में बहुत चेंजेस हुए, बट जो रिवर्स थी वो अपने ओरिजिनल कोर्स पर ही है. रादर कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज में ऐसा नहीं होता. कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज में शुरू में जैसे स्लोप चलता है स्लोप की तरह ही ये चलती रहती है. राइट, अगेन हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है. पेरिनियल क्यों है, बिकॉज रेनफॉल के अलावा, रेनफॉल में तो पानी आ ही रहा है मॉनसून में, बट जो स्नो मेल्ट हो रही है हिमालय से उससे भी पानी आ रहा है. अगेन जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये स्पेसिफिकली रेनफॉल पे डिपेंड कर रही हैं. राइट, इसीलिए ये नॉन पेरिनियल रिवर्स होती हैं. ऑब्वियसली जो पेरिनियल रिवर्स हैं वो ज़्यादा यूजफुल होंगी इरीगेशन के लिए, क्योंकि पानी 24/7 है. ठीक है, और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये कम यूजफुल होंगी इन कंपैरिजन टू द पेरिनियल वंस, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल. हिमालयन रिवर्स यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं. क्यों? क्योंकि अभी भी हिमालयन प्लेट जो है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इट इज मूविंग है ना, वो अभी भी यूरेशियन प्लेट के साथ टकरा रही है और अभी भी हिमालयस में चेंजेस हो रहे हैं. सो दिस इज यंग फोल्ड माउंटेन्स, बट पेनिनसुलर प्लाटू जैसे पहले थे वैसे ही हैं. दे हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ मैच्योरिटी. अगेन क्योंकि हिमालयन रिवर्स ना बहुत टॉर्चरस रूट से, बहुत टीडियस टेरेन से आते हैं, इसलिए ये मियांडर्स बनाते हैं. मियांडर्स ना मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. राइट, जो पानी में जो सामान आ रहा है या पानी की स्पीड क्या है उसके हिसाब से ये ना स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करते हैं. मान लो पानी बह रहा है, बहुत सारा सामान है इस पानी में, कंकड़ पत्थर जो आप एलुवियम नेचर कहते हो, और बहुत स्पीड है, तो ये पानी का ना रुख बदल देती है. राइट, लैंड्स पे ना कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिन्हें मियांडर्स कहते हैं. पेनिनसुलर प्लाटू में पहले तो स्पीड ही उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, राइट, जितनी रिवर्स हैं, एलुवियम कंटेंट नहीं है उसमें, तो इस वजह से ना बहुत ऐसे स्ट्रक्चर्स लैंड पे नहीं बन पाते. अगेन जो हिमालयन रिवर्स है ना ये डेल्टास बनाते हैं. राइट, हमने पढ़ा था पेनिनसुलर रिवर्स जो है वेस्टर्न घाट पे तो कुछ हैं जो डेल्टा बना रहे हैं, बट कुछ हैं जो एस्चुरीज भी बना रहे हैं और कुछ हैं जो डेल्टा नहीं बना रहे. ये हम ऑलरेडी पहले कवर कर चुके हैं पिछले वीक. राइट, तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि पेनिनसुलर रिवर में कुछ डेल्टा बनते हैं, कुछ एस्चुरीज बनते हैं, कुछ कुछ भी नहीं बनते, बट हिमालयन रिवर्स में बिकॉज ऑफ द स्पीड, बिकॉज ऑफ द अमाउंट दैट दे केटर टू, है ना, कितना एलुवियम कॉन्टेंट होता है, दे अल्टीमेटली एंड अप मेकिंग अ डेल्टा. तो ये ना उनके बेसिक डिफरेंसेस हैं. आप चाहो तो हर एक में कोई कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला हिमालयन रिवर डेल्टा फॉर्म कर रही है, तो आप एग्जांपल लिख सकते हो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर डेल्टा बनता है. अब जैसे मैंने कह दिया कि कुछ ऐसे सर्टेन रिवर्स हैं जो डेल्टा फॉर्म नहीं कर रहे हैं पेनिनसुलर रिवर्स में, तो आप लिख दोगे कि नर्मदा तापी है जो डेल्टा फॉर्म करते ही नहीं है. तो जो आपकी नॉलेज के हिसाब से आपको लगता है अगर आप किसी किसी में एग्जांपल कोट कर सकते हो तो वो भी यू शुड कीप ऑन कोटिंग. ठीक है, चलो ओके दोस्तों, बाय.